Hi everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. So guys, I hope you all are doing good, safe and sound at your hometown. So आज का वीडियो ना मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ. अभी फ़िलहाल बज रहा है 9:30. आज बहुत लेट करके उठी 8:30 को, पता नहीं क्यों. मैंने कल ना अलार्म भी नहीं लगाया और इतना लेट करके उठी. चलो छोड़ो, अभी फ़िलहाल नहा धो के एकदम रेडी शेडी हो चुकी हूँ, बट कुछ भी नहीं खाया अभी तक. वो खाऊँगी मैं अभी, और पापा की दुकान से भी आ गई. और पता नहीं सुबह से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब जुकाम टाइप लग रहा है, पता नहीं क्यों. एक्चुअली क्या होता है ना, ठंड के मौसम में मेरे साथ ऐसे ही होता है. अगर मैं सुबह नहाती हूँ ना, मेरे साथ ऐसे ही होता है. तो बट फिर भी क्या करूँ, आदत से मजबूर सुबह नहाना ही पड़ता है मुझे. पता नहीं, ये बचपन से हमारा आदत है. ठीक है, हम स्कूल लाइफ से हम सुबह 7 बजे तक हम लोग नहा लेते हैं, बट अभी तो कॉलेज में जब से हम लोग गए हैं तब से लाइक 8 बजे 9 बजे इतना बजे हम लोग नहाते हैं. सो अभी दुकान गई और लाई ये सब बिंगो, पॉपकॉर्न, यहाँ है भुजिया, इधर है खट्टा मिट्टा और यहाँ है मूंग दाल. सब कुछ अभी लेके आई गई. ये देखो ये एवरीडे का जो कंटेनर है ना, ये वाला हमारा वो सब रखने का, स्नैक्स रखने का डब्बा बना दिया हमने इसको. और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फुल करके रखना. आई लव, देखो कितना अच्छा दिख रहा है. अभी इसे जगह पे रख देती हूँ मैं. नो no. डलिया खाऊंगी और ये बॉर्नविटा, साथ में बिस्किट भी है. मैंने ना डिसाइड किया कि सुबह मैं आजकल ये डलिया ही खाऊंगी, क्योंकि अच्छा है भाई ये सेहत के लिए. और अभी मुझे अच्छा लगता है अभी थोड़ा. अभी मुझे है कुछ काम, ये मटर को छीलना है. उस दिन लाया था ना संडे को, मटर, बीन्स, फिर गाजर, ये सब मम्मी काट के सब कुछ स्टोर करी है. 2 दिन से मम्मा को समय नहीं मिला, तो अभी कर रही है और मैं ये सब छीलूंगी अभी. अभी ठंड के मौसम में जितना एंजॉय करना है इन सब चीजों का एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम गया, इनका सीजन भी गया है ना. मम्मा गाजर मिलेगा ना, गाजर बस मिलेगा, बीन्स मटर ये सब तो नहीं मिलता है. और मुझे ना मटर का जो कचौड़ी होता है ना, वो खाने का बड़ा ही मन हो रहा है. बीन्स मटर तो फाइबर खा जाएगा. मुझे मटर की कचौड़ी खाने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा है, बट खाऊंगी रुको. अभी इधर बनाया चाय. अभी ना कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं किया है. एक्चुअली मैंने पैक वैक नहीं लगाया है बहुत दिनों से, तो मैं अभी जल्द से कर लेती हूँ. गाइज, मैं अभी थोड़ा सा जस्ट फ्रेश होके आई हूँ. पता नहीं क्यों मुझे आज मन हुआ कि मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँ. और वैसे मेरा कोई पर्टिकुलर स्किन केयर रूटीन नहीं है, बस कभी कभार मैं लगा लेती हूँ फेस पैक. तो अभी थोड़ा सा लगाया और अभी क्रीम वगैरह अप्लाई किया, मॉइस्चराइजर वगैरह करके थोड़ा बाल बांधा, लिपस्टिक लगाया. बस कभी कभार मन होता है खुद को सेल्फ पैम्पर करना, कभी कभार मूड हो जाता है, वरना तो हमेशा मैं करती नहीं हूँ. बट कोई ना, अभी बाहर देखो धूप बहुत है. आज ना मैंने अपना वो ब्लैंकेट, फिर शू, सब कुछ धूप में दिया. और हाँ, पानी भी धूप में दिया, क्योंकि पानी ना अभी फ़िलहाल ठंडा है और धूप में देने से थोड़ा गर्म होता ही है. तो मैं पीती हूँ अभी थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी पीना बहुत अच्छी बात है. मैं आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ, बट मैं खुद पीती नहीं हूँ. मेरा ना पिंक कलर का लिपस्टिक नहीं मिल रहा है गाइस, पता नहीं कहाँ चला गया. आज तकिया वगैरह भी धूप में दिया, क्योंकि मेरा ना इस साइड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और इसलिए. तो गाइस, अभी ना मम्मी बनाने वाली है कपकेक फॉर द फर्स्ट टाइम. वैसे तो मम्मी ने बेक किया है वो बड़ा वाला केक, बर्थडे केक, बट कपकेक मम्मी ने कभी बेक नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम कर रही है. सो मैं उसका रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी. सो चलो अभी दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है. सो ये है चीनी पेस्ट, मतलब इसको ना थोड़ा सा चूरा है
अभी इसमें यूज हो रहा है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसे अभी मिक्स करना है। मैंने इधर 3 कप यूज़ किया है मैदा, आपको जितना मन चाहे आप यूज़ कर सकते हो मेजरमेंट करके। और इसमें ना थोड़ा सा नमक भी यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हो, और शुगर आपको जितना मन चाहे आप उतना यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें होगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेकिंग सोडा देने से क्या होता है, पफी पफी टाइप होता है ना, फूलता है ये, वरना तो नहीं होता है। हाँ, अभी यूज़ हो रहा है एवरीडे दूध, सब कुछ ना येलो वाइट कलर का इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ये है एवरीडे मिल्क पाउडर। अभी थोड़ा सा बस नमक आपको देना है। अभी यूज़ करना है लिक्विड मिल्क, लाइक अमूल ताजा बोलो या कुछ भी बोलो, वो यूज़ करना है। और इसे क्या करना है, ब्लेंड करना है। इसे अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक ये पतला नहीं होता है, जब तक इसका थिकनेस नहीं जाता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को साइड में रखना है और इधर थोड़ा सा इसमें मैदा को मिक्स किया है थोड़ा सा। अभी यूज़ करना है चॉकलेट सिरप, ये चॉकलेट सिरप भी बहुत काम आ गया मेरा। तो गाइस इधर ना कढ़ाई में देखो सैंड दे दिया, ये अभी अच्छे से हीट होगा, क्योंकि जिसके घर में ना लाइक माइक्रोवेवन नहीं है वो लोग ऐसे ही गैस पर कर सकते हो। हमारे घर पे माइक्रोवेवन नहीं है तो हम ऐसे ही करते हैं। सो गाइस कपकेक्स के लिए कप ले लिया और इसमें देखो थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लिए, केक में लगाना है साइड में, इसके साइड में ना आपको यूज़ करना है। कढ़ाई गरम हो जाएगा ना तब आपको घी छोटा करके देना है और ऊपर ऐसे एक स्टैंड लगाना है, ये देखो अंदर मोटा ताल और ऐसे मोटा एक प्लेट, आप देख लो, बस आप देख के सीख लो। सो गाइस देखो बैटर को अच्छे से कप में दे दिया। अब ना थोड़ा सा कम इसको दिया है, फुल नहीं कराया, क्योंकि ये फूलेगा ना इसलिए पफी बनेगा ना। अभी एक एक करके इसे आपको प्लेस कर देना है जगह पे। अभी इसे ढक के रखना है अप टू 30 मिनट्स और फ्लेम की लो ना, ये हाई लो फ्लेम, लो फ्लेम। सो गाइस 40 मिनट्स बाद ये चेक कर रही हूँ तो ये देखो ये अंदर पक गया है। सो गाइज यहाँ हमारा केक कपकेक रेडी है, ये देखो वैलेंटाइंस डे स्पेशल कपकेक्स, मतलब अच्छे दिन में मम्मी ने बनाया। सो गाइज अभी इधर मम्मी कर रही है आलू फ्राई और इधर गाजर बीन्स सब कुछ रेडी करके रखा। इधर है दलिया और चावल और इधर मटर प्याज नमक तेजपत्ती से इससे बनेगा खिचड़ी, दरिया की खिचड़ी बनेगी इससे। सो गाइस इधर आलू फ्राई रेडी हो चुका है, अभी बनाएंगे दरिया की खिचड़ी। गाजर दिन स्वाद अनुसार नमक, अभी इसमें दे देना है दलिया दाल वो सब कुछ जो मिक्स करके रखा है। और अभी ऐड करना है पानी, आपको जितना मन चाहे आप डाल सकते हो।